लाइफ साइंस की क्लास में आज हम बात करते हैं मेलविन डेवी के बारे में। मेलविन डेवी और एस आर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन, मेलविन डेवी, एस आर रंगनाथन, ये विश्व लेवल पे पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं। पुस्तकालय विज्ञान भारत के संदर्भ में हम बात करें तो ये जो एस आर रंगनाथन है ये भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आज हम संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं मेलविन डेवी के बारे में कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने लाइब्रेरी साइंस के बारे में क्या क्या प्रयास किए, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेलविन डेवी ये अमेरिकन व्यक्ति थे, अमेरिका में अमेरिकन थे ये। 10 दिसंबर 1851 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनका जन्म हुआ। इनकी ये जो डेट ऑफ बर्थ है और इसकी इनकी मृत्यु की बात करते हैं हम तो 26 दिसंबर 1931 को फ्लोरिडा में, अमेरिका में शहर का नाम है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन्होंने लाइब्रेरी साइंस के बारे में क्या क्या प्रयास किए हैं इनके बारे में। मेलविन डेवी महोदय ने, देवी महोदय महोदय ने एम्स हेड कॉलेज में छात्र सहायक के रूप में काम करते हुए डीडीसी का विकास किया। डीडीसी देखो इसका जो विकास किया था मेलविन डेवी ने ये किया था 1873 में और इसका जो प्रकाशन है वो किया था 1876 में। डीडीसी फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं, डेवी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं और हिंदी में हम बात करें तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति, दशमलव वर्गीकरण पद्धति, ये जो दशमलव वर्गीकरण पद्धति थी ये पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसी कारण मेलविन डेवी को पुस्तकालय विज्ञान के आधुनिकीकरण का जनक कहा जाता है। आधुनिकीकरण का जनक, जनक माना जाता है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति जो डीडीसी दी थी मेलविन डेवी ने, इसी डीडीसी के उद्भव की वजह से आज हमारे पास जो भी वर्गीकरण पद्धति है वो इसी का उद्भव रूप है। या मतलब कह सकते हैं कि इसके आने के बाद, डीडीसी आने के बाद भी सभी जो अन्य पद्धतियां हैं वो इनका उद्भव डीडीसी के बाद ही हुआ है। और डीडीसी का जो जनक है मेलविन डेवी को माना जाता है। 1873 में इसका विकास हुआ था और इनका जो प्रकाशन है वो 1876 में किया गया था डीडीसी का। इसके बाद मेलविन डेवी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो डेवी ने एएलए की स्थापना की थी। मेलविन डेवी ने 1876 में एएलए की स्थापना की। एएलए फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। मेलविन डेवी ने 1876 में एएलए की स्थापना की। एएलए वाले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एएलए के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि एएलए जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। सबसे बड़ा
सबसे बड़ा वह सबसे पुराना, सबसे पुराना पुस्तकालय संग्रह, पुस्तकालय संग्रह। इसके बाद में 1876 से लेके 1890 तक मेलविल देवी एएलए के सचिव रहे, सचिव 1876 से लेके 1890 तक मेलविल देवी इस एएलए के सचिव रहे। एएलए बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर 1890 से लेके 1893 तक, 1893 तक ये इसके पुस्तक अध्यक्ष रहे मेलविल देवी। 1890 से लेकर 1893 तक इसके अध्यक्ष रहे। देवी महोदय ने ऊपर लिख देता हूं बड़ा में, देवी महोदय ने, महोदय ने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रथम पत्रिका आई थी जिसका नाम है लाइब्रेरी जनरल, लाइब्रेरी जनरल, लाइब्रेरी जनरल का जो प्रकाशन है या जो संपादन है ये इसके संपादक रहे, संपादक। तो मेलविल देवी ने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद हम बात करते हैं मेलविल देवी, मेलविल देवी को पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पद है इसको व्यवसायिक पद में बदलने का श्रेय भी दिया जाता है। पुस्तकालय अध्यक्ष पद को, पुस्तकालय अध्यक्ष पद को, अध्यक्ष पद को व्यवसायिक पद में बदलने का श्रेय, व्यवसायिक पद में बदलने का श्रेय दिया जाता है, बदलने का श्रेय, श्रेय दिया जाता है। देवी महोदय जो है 1883 में, हम बात करें 1883 की, तो ये देवी महोदय 1883 में कोलंबिया कॉलेज, कोलंबिया कॉलेज, देखो अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो ये क्या कि यूनिवर्सिटी है, अभी तो ये यूनिवर्सिटी है, पहले क्या है कॉलेज ही था। तो कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे ये 1883 में, पुस्तकालय अध्यक्ष। तो मेलविल देवी 1883 में कोलंबिया कॉलेज जो अमेरिका में यूएसए में, यूएसए में इसके पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में हम बात करते हैं 1887 में, 1887 में मेलविल देवी द्वारा, मेलविल देवी द्वारा, देवी महोदय द्वारा 1887 में, ऊपर थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, 1887 में देवी द्वारा, देखो शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं, देवी मेलविल देवी जो है, तो 1887 में इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की थी, स्कूल ऑफ, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जो yes. जो दुनिया का पहला, का पहला पुस्तकालय स्कूल माना जाता है, पुस्तकालय स्कूल, या पुस्तकालय के ये भी कह सकते हैं कि पुस्तकालय के क्षेत्र में पहला संस्थान माना जाता है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्थापना किसने की, मेलविल देवी ने, कब की, तो 1887 के अंदर। बात करते हैं हम 1889 की, तो 89 में मेलविल देवी को न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक बनाया गया, निदेशक मेलविल देवी को 1889 में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी का निदेशक नियुक्त किया गया, निदेशक नियुक्त किया गया।
पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेलविन डेविस जो है आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है इनको, और इन्होंने एएलए की जो स्थापना की थी, एएलए की स्थापना कब की थी, 1876 में विश्व लेवल पे, या हम बात कर सकते हैं संपूर्ण विश्व लेवल पे पुस्तकालय विज्ञान का इन्हें जनक माना जाता है। ये इनका संक्षिप्त परिचय था। इसके बाद में मैं आपको छोटा सा संक्षिप्त परिचय को देता हूँ इनका। मेलविन डेविस की लाइफ के बारे में कहो, इन्होंने दो शादियां की थी। पहली की थी 1878 में एनी आर गॉडफ्रे, एनी आर गॉडफ्रे इन्होंने शादी की थी अपनी 1878 में एनी आर गॉडफ्रे के साथ, जो सफल नहीं हो पाई, असफल रही, असफल रही। इसके बाद में मेलविन डेविस ने yes. असफल का मतलब ये नहीं है, असफल का मतलब किसी दुर्घटना बस ये शादी जो है इनकी चल नहीं पाई, किसी दुर्घटना बस कोई कारण था इस वजह से। इसके बाद उन्होंने 1924 में दूसरी शादी की, यस दूसरी शादी की थी एमली मैके, मैके बैल के साथ, बैल के साथ इनके संतान की उत्पत्ति हुई, उसका नाम है गॉडफ्रे, गॉडफ्रेड ड्यूए, गॉडफ्रेड ड्यूए ये इनके पुत्र का नाम है। कई बार अलग ही पूछते नहीं है, पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन ये और करवा दिया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ये अपने जो मेलविन डेविस है इनका परिचय पूर्ण होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे एस आर रंगनाथन की अगले वीडियो में, रंगनाथन, एस आर रंगनाथन की, इनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम बात करेंगे। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी। तो दोस्तों वीडियो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।